क्या हाल है मेरे दोस्तों, सही मौज आ रही है नहीं? लेकर आ गया हूँ मैं एक और ट्रेलर रिएक्शन, और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे आने वाली है मूवी कार्तिक आर्यन की धमाका। इसका टीजर हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया था, ट्रेलर अब आया है, मूवी अब आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पैंडेमिक धीरे धीरे जैसे ठीक हो रहा है, सब बैक टू नॉर्मल हो रहा है। बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट, बढ़िया बढ़िया मूवी जो छुपी हुई थी वो सब निकल के बाहर आ रही है। तो बहुत ही अच्छा सीज़न जा रहा है ये मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए, तो होपफुली ऐसे ही जाता रहे। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी शेरशाह करके, और मेरे ख्याल से सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए गेम चेंजर थी, उसके करियर की अभी तक की बेस्ट मूवी थी वो। क्या कुछ ऐसा ही कार्तिक आर्यन कर पाएंगे इस मूवी के साथ? देखते हैं पहले ट्रेलर और फिर इसके बाद करते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूं अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग कराने वाले हैं। ओ भाई साहब, वापस 15 मिनट में फोन करेंगे आपको। ये मेरा एक्सक्लूसिव है, आप बस मुझे प्राइम टाइम की सीट वापस दे दो। तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी, हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। मैं हूं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। थोड़ा हटके रहो। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस टेररिस्ट से बात करूंगा जिसने सीलिंग पर धमाका किया। रघुवीर जी आप क्या चाहते हैं? मिनिस्टर जयदेव पाटिल को फोन करिए, चलिए। हम बस उनसे एक सॉरी चाहते हैं, अगर वो नहीं आए तो सब मरेंगे। ब्रिज पे सौम्या जी आपकी पत्नी है ना? मैं हूँ सौम्या मेहरा पाठक। मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। डू यू लव मी? हम आपको 10 मिनट देंगे मंत्री जी को बुलाने के लिए। मंत्री जी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? उन्हें सिर्फ माफी तो मांगनी है, जनता की सेवा की। गॉड डैमिट, मैं अभी भी बचा सकती हूँ अगर तुम वो बोलोगी जो कंपनी चाहती है। अगर माफी नहीं मिली तो पूरा ब्रिज उड़ा दूंगा। पाठक जी, जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धमाका। वेलकम टू द शो। हाँ 2 मिनट यार, 2 मिनट भाई। ये तो खैर इसका ना टीजर देखकर ही पता चल गया था कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। पर्सनली मुझे सही बताओ तो मेरा अगर ओपिनियन, तो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था यार, और जिस तरीके का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था और पूरा सीन जो एक रिक्रिएट हो रहा था, क्या मज़ा आ रहा था देखने में। मतलब पूरी एक वैसी कहानी है कि इट्स लाइक कि ओपनली किसी को हॉस्टेज बना रखा है, सीलिंग पर ही कुछ लोग हैं उन्हीं को हॉस्टेज बना रखा है, और कोई बंदा है जो फ़ोन पर बात कर रहा है और उसकी डिमांड है कि भैया मेरी बात करवा दो, ये कुछ होगा, उसके अराउंड ही पूरी स्टोरी होगी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये जो स्टोरी इन्होंने चूज़ करी है, जो भी प्लॉट पिक किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब तो जब देखेंगे 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे, तब जाके पता चलेगा कि पूरी स्टोरी है क्या। बट मैं ये बात दोबारा कहूँगा, कार्तिक आर्यन ये सही में गेम चेंजर हो सकता है, ये मूवी गेम चेंजर हो सकती है कार्तिक आर्यन के लिए। तो देखते हैं, अभी तक तो ट्रेलर से बस अच्छा लग रहा है देखने में, एक्टिंग सब अच्छी लग रही है, लेकिन जब पूरी मूवी देखेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर लूज पॉइंट्स थे और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। वो सब तो छोटी छोटी जो बातें होती है ना क्रिटिक्स की, वो तो हमें बाद में पता चलेंगी जब हम मूवी देखेंगे। बट खैर पहले विजुअल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा लोकेशंस नहीं है इसमें, बट विजुअल इफेक्ट्स कहीं हद तक जस्टिफाई हो रहा है। जितने भी वो छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं, बड़ा ब्लास्ट हुआ है और क्योस जो सिचुएशन बनाने की कोशिश करी है सीलिंग पर, जस्टिफाई हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और जो विजुअल इफेक्ट्स की बारीकियाँ हैं वो तो हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगी, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ ट्रेलर से देखने में काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को।
और बढ़िया लग रहा है सब कुछ। कास्टिंग में मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष और कार्तिक आर्यन, काफ़ी सिंपल और स्ट्रॉन्ग कास्टिंग रखी गई है क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं सारे के सारे लोग और हमने बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ में देखा है इन लोगों को ऑलरेडी। कार्तिक आर्यन की मैं फिर से ये बात बोलूँगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, बट क्या आपको लगता है कि ये मूवी कार्तिक आर्यन के करियर की बेस्ट मूवी होगी? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी अवेंसडे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही डिफरेंट मूवीज़ हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट मूवीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं वाइब थोड़ी बहुत मुझे हल्की फुल्की वैसी आई। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन ये मेरा एक ऐसी बस थॉट आई मेरे दिमाग में, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ऐसा लग रहा था। बट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है मूवी, नेटफ्लिक्स पे 19 नवंबर को आने वाली है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो, जिनको रिन्यू करवाना है रिन्यू करवा लो। कैसा लगा ये ट्रेलर रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और फिर से मैं वही बात पूछूंगा जो मैं अपने हर एक ट्रेलर रिएक्शन में पूछता हूँ कि अगर आपको रिप्लेस करना हो तो कार्तिक आर्यन को इस रोल के लिए आप किस एक्टर से रिप्लेस करेंगे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहिए ज़िंदगी में फुल मौज।